हेलो फ्रेंड्स, एरुडिशन प्लस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने तीन कॉलम्स में बुक्स रखी गई हैं। बुक्स तो ठीक है, बीच में ये क्या है? आप सभी फेमिलियर होंगे इस चीज़ से, स्टेथोस्कोप, जिसे अर्न करने के लिए ही आप लोग नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को स्टेथो से मिलना होगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि MBBS में लाइफ क्या है। तो MBBS तक पहुंचने के लिए पहले आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट क्लियर करने के लिए अब आपको कुछ बुक्स चाहिए डेफिनेटली, तो इधर उन्हीं बुक्स का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले ग्रीन कॉलम में आते हैं। ग्रीन कॉलम की बुक्स है मस्ट नो बुक्स, मतलब इन बुक्स को जानना ही पड़ेगा, और ये है शुड नो बुक्स। अब आता है गुड टू नो बुक्स। गुड टू नो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए अब हम आते हैं एक एक करके सब कॉलम में। सबसे पहले आएंगे हम ग्रीन कॉलम बुक। चलिए लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ है ये बुक? ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वॉल्यूम 1, DC पांडे के नाम से फेमस है ये बुक। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नीचे दोनों है। तो चलिए, फिजिक्स की बुक, मतलब ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। प्लस इसमें NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अब आते हैं, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ फिजिक्स की NCERT बुक क्यों नहीं रखी गई है? वो रखे हैं हमने सेकेंड कॉलम में, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स उससे उतने ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए बच्चे ऑब्जेक्टिव फिजिक्स को रेफ़र करते हैं। और इसके साथ आप कोई थ्योरी का बुक भी ले सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ये बुक मस्ट है, बिकॉज इसमें पर चैप्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं और आपका जिससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगा। अब आता है मेन बुक, आप देख सकते होंगे बायोलॉजी की, ये है NCERT बायोलॉजी क्लास 11th, जिसकी कंडीशन कुछ खास नहीं लग रही, बिकॉज बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर इसे पढ़ लिया तो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो NCERT की बायोलॉजी बुक को बहुत ज़्यादा अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अब आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th की NCERT केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं NCERT फिंगर टिप्स। NCERT फिंगर टिप्स केमिस्ट्री MTG पब्लिकेशन की बुक है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे पास यहाँ आप देख नहीं पा रहे होंगे कि बायोलॉजी और फिजिक्स की कॉज मैंने किसी को दे दी, बट अगर आपके इस मस्ट नो में NCERT केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स एंड बायोलॉजी रहेगी तो आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगी। अब आप देख सकते हैं कि 38 ईयर्स JEE एडवांस प्लस JEE मेन केमिस्ट्री पेपर पढ़ा है इधर, वो भी पूरा सॉल्व्ड। ठीक है, क्यों सॉल्व्ड? कॉज कि JEE के जो क्वेश्चंस हैं वो नीट में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इसे सॉल्व करना चाहिए। और पीछे एक्सप्लेनेशन है इसका, तो ऐसा बात नहीं है कि हम इसे बनेगा नहीं, एक्सप्लेनेशन देख के बना लेंगे। अब इधर आते हैं JEE एडवांस के फिजिक्स एंड JEE मेन के फिजिक्स, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे जनरली नीट के लिए फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, बट फिजिक्स ही ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके कारण उनका रैंक बूस्ट हो सकता है, तो फिजिक्स को इग्नोर ना करें और ये सब बुक से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं दो बुक पढ़ा है इधर, एक पढ़ा है नीट एक्सप्लोरर बोल के, नीट एक्सप्लोरर देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 14 ईयर्स का पेपर है, AIIMS और नीट के क्वेश्चंस है और 10 मॉडल टेस्ट पेपर्स है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 14 + 3 = 17 + 10 = 27 पेपर्स है इसमें। अगर डेली अगर आप एक पेपर सॉल्व करें, मतलब ऑलमोस्ट 180 क्वेश्चंस, तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि आपके पास कितने क्वेश्चंस का स्टॉक हो जाएगा। प्लस एक और है मस्ट में, यह है 10 नीट प्रैक्टिस सेट्स, बहुत बच्चे खरीदते हैं, आप भी खरीद सकते हैं। कुछ आंसर्स में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, बट बहुत अच्छी बुक है ये। अब मेन अट्रैक्शन हो रहा होगा, ये क्या है बटरफ्लाई जैसा? एक्चुअली ये है लैपटॉप। आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो आप इंटरनेट के द्वारा भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे एम्बाइब है, खान अकेडमी है, फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोरा सर की, आप उससे सीख सकते हैं। तो मस्ट नो में रखा गया है लैपटॉप को, या मोबाइल से भी सीख सकते हैं, मतलब जिसमें इंटरनेट हो। अब चलते हैं सेकेंड कॉलम पे। सेकेंड कॉलम आप देख सकते हैं कि आकाश 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 आकाश। एक्चुअली आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कोचिंग सेंटर, बट एक्चुअली मैंने इसी कोचिंग सेंटर से
किया था अपना नीट का प्रिपरेशन, तो इसीलिए पढ़ा है। आप चाहे तो एलन भी अच्छा है, और बहुत सारे हैं पाथफाइंडर, टारगेट, बहुत है, सभी अच्छे हैं। मतलब कि इनके जो पैकेजेस होते हैं ना कोचिंग के, तो इनमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जो जैसे कि जो 20% जो बाहर से क्वेश्चन आते हैं वो ऑलमोस्ट इनमें कवर्ड रहते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आप ये पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप ये जिद ना करें कि मुझे ये लेना है, अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो ज़रूर होगी आपके पास, और उसमें आप फोकस करिए, इग्नोर ना करें इन स्टडी मटेरियल्स को। तो ऐसा मेरे पास है बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। अगर आपको कोई फॉर्मूली चाहिएगा मुझसे तो आप रिक्वेस्ट करिएगा, हम अपने पेज पर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, फेसबुक पेज पर, एरुडेशन प्लस का फेसबुक पेज है, आप जाकर लाइक कर सकते हैं। अब इधर आप देख सकते हैं बॉटनी का, इसमें एक्चुअली डायग्राम्स है बॉटनी और नीचे जूलॉजी के, तो मतलब डायग्रामेटिक क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। अब फिजिक्स को इसमें क्यों रखा गया है, कॉज सब बच्चे जानते हैं जो मेडिकल एस्पिरेंट्स है, कि फिजिक्स इसमें से क्लियर नहीं हो पाता, इसीलिए इसे शुड नो में रखा गया है। अगर जान लिया तो अच्छा बात है, मतलब जानना चाहिए। एक्चुअली जो इसके अंदर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो डीसी पांडे में सॉल्व किए हुए हैं, इसीलिए डीसी पांडे को मैंने यहाँ रखा है। अब हम देखते हैं थर्ड कॉलम को, थर्ड कॉलम जनरली है, तो अगर आप देख सकते होंगे तो इधर कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, नाम से ही पता चल रहा है सर एच सी वर्मा की किताब है, वो एच सी वर्मा की किताब है। तो बच्चे तो पहले बात है डरते हैं इस किताब से, एच सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 एंड 2। अब एक और किताब है अगर आप देख सकते हैं तो हेलिडे रेसनिक एंड वॉकर, मतलब रेसनिक हेलिडे, ये फिजिक्स की बहुत अच्छी बुक है, बट बच्चे इससे डरते हैं, इसीलिए ये गुड टू नो में रखा गया है। अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, एम्स निकल सकता है फिजिक्स। अब आते हैं इसमें जिपमर और एम्स की प्रिपरेशन के लिए आकाश का मैट, वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपनी ये सब मैट प्रोवाइड करते हैं, तो ये सब हेल्पफुल होते हैं। ये एक्चुअली 2017 का है, कॉज मैंने 2017 में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था, प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस यूनिट टेस्ट के पेपर्स, और एम्स एक्सप्लोरर इज़ मस्ट, प्लस जीके पोर्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सब टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, तो आप एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितने सारे बुक्स हैं, अगर आपको सब बुक्स रखने हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार।